वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है माई फेवरेट मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र, जो कि सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर में या मेडिकल ऑनलाइन ऐप्स में ही मिल जाएगा। आप इसे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से या नायका, पर्पल, अमेजोन से आपको ये नहीं मिलेगा और आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल स्टोर में ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 6 प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो है मॉइज 48 लोशन LMF, और ये एक्सेसिव ड्राई स्किन टाइप के लिए है। लेकिन मेरी एक्सेसिव ड्राई स्किन टाइप नहीं है, सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन टाइप में से है। मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है अमेजिंग है। अगर आपके स्किन में कोई भी इरिटेशन है, रेडनेस है या स्मॉल बम्प्स है, तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट आपको एक बार यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और इसका जो क्लिंसिंग लोशन है, मॉइस का जो क्लिंसिंग लोशन है, मैं उसे 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैं उसे हर एक दिन यूज़ करती हूँ 2 बार करके। और ये जो मॉइस्चराइज़र है, मैं नहाने के बाद एक बार और रात को सोने से पहले एक बार यूज़ करती हूँ। इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका ऑयली स्किन टाइप है, अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, मसाज करना है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल भी स्टिकी टेक्सचर नहीं है। तो अगर आपका ऑयली, ड्राई, नॉर्मल या एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो सारे स्किन टाइप के लिए ही ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। तो मेरी सेकेंड फेवरेट प्रोडक्ट है वो है बायोसिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और इसमें है ओटमील एंड सेरामाइड्स एक्सट्रैक्ट। आपको पता ही है कि सेरामाइड 30+ या 40+ स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और ये मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। सेरामाइड बेसिकली ड्राई एंड एजी स्किन टाइप के लिए है, लेकिन मेरी ऑयली स्किन टाइप एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप में भी मैंने इसे यूज़ किया है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। ऑनेस्टली गाइस, ये जो मॉइस्चराइज़र है, मेरे पापा को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उनका स्किन बहुत ड्राई हो गया था, जैसे कि ड्राई पैचेस हो गया था। तो उस टाइम में पापा भी यूज़ किया था, और ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स आए जो बेसिकली मॉइस्चराइज़र या फेस वॉश हो, तो मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने भी यूज़ किया और मैंने बहुत दिनों तक यूज़ किया, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था। और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें ओटमील है या सेरामाइड है, आप ऑयली स्किन में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये भी इंस्टेंट एब्जॉर्ब होता है, और ये इसके अंदर एक ट्यूब है। इसका क्वांटिटी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो प्राइस डिटेल्स है मैं स्क्रीन में दे दूंगी। मैं हमेशा रीस्टॉक करके रखती हूँ बायोसिल्क, क्योंकि बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, ऐप्स में बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आता है यूज़ करने के बाद, फर्स्ट टाइम आप एक ही परचेस करो, अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हमेशा स्टॉक करके रखिएगा, क्योंकि ये उतना नहीं मिलता है, आउट ऑफ स्टॉक रहता है। थर्ड फेवरेट प्रोडक्ट है वो है मैक्स रिज इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और इसमें है एक्वापोरिन हाइड्रा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास बायोसिल्क है तो आपको इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो टेक्सचर है सेम ही है, और ये बेसिकली सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए है। लेकिन आप बायोसिल्क को भी सेंसिटिव स्किन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्राइसी है बायोसिल्क से। और इसमें है विटामिन ई, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है शिया बटर और मैंगो बटर। तो ये ड्राई स्किन के लिए उतना भी इफ़ेक्टिव है और ऑयली स्किन के लिए भी, और ये भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत क्विक एब्जॉर्ब होता है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, और आपको कुछ नया एक मॉइस्चराइज़र ट्राई करना है, और ये वर्थ बाइंग है गाइज। अभी जो 3 प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ, ये सारे प्रोडक्ट जो है ड्राई एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन के लिए है। और अगर आपका ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो आपको ये 3 प्रोडक्ट को फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी एंड लाइट वेट बिल्कुल भी नहीं है, और ऑयली फील होगा अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है। तो जो 4th प्रोडक्ट है वो है NMFE मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये एक्सेसिव ड्राई स्किन टाइप के लिए है, और इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा ऑयली एंड थिक है। तो मैं इसे विंटर सीजन में हैंड पे या बॉडी पे यूज़ करती हूँ, विंटर में भी मैं इसे फेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ,
क्योंकि ये यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो अगर आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो ही आप इसे यूज़ करें। फिफ्थ प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एक मेडिसिन ऐप में, वो है वेनुसिया डर्म फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग है, स्किन को बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। लेकिन ये इसे भी मैं फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ समर टाइम में या रेनी सीजन में, मैं इसे विंटर में ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैं इसे इंटीमेट एरिया या अंडर आर्म्स में मॉइस्चराइज करने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। बहुत सारे डॉक्टर ने भी यूट्यूब में सजेस्ट किया था इसे, आप चाहते से इंटीमेट एरिया या अंडर आर्म में यूज़ कर सकते हो या नी एल्बो में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और ये ठीक है, आप चाहे तो इसे फेस में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन टाइप है। लास्ट मॉइस्चराइज़र है वो मैं हर वक्त यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे स्किन में कोई भी रेड रैशेज हो जाता है, या तो इंसेक्ट ने बाइट कर दिया है या स्किन में बहुत सारा इरिटेशन हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, उस टाइम पे ही मैं इसे यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है ऑयली है, स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज़र रखने में हेल्प करता है। लेकिन मैं इसे फेस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो चाहे तो आप इसे फेस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसे जिस टाइम पे मुझे स्किन में प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे ही मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो सारा प्रोडक्ट्स है आपको डिस्काउंट्स में बहुत सारे ऐप्स है, मेडिसिन ऐप्स है, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये जो सारा प्रोडक्ट्स है आपके स्किन में आप यूज़ कर सकते हो विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि रोसा किया और एक्ने प्रॉब्लम्स है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर्स से कंसल्ट करके ही इसे यूज़ करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, किसी के स्किन पे कोई भी इंग्रेडिएंट्स या एलर्जी होता है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। तो अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी है तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ के ही उसके बाद आपको परचेस करना चाहिए। ये सारे जो मॉइस्चराइज़र्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक मॉइस्चराइज़र है तो दूसरा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने परचेस किया क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट्स को ट्राई करना होगा, आपके साथ रिव्यू शेयर करना होगा। तो यही तक थी मेरी आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय गाइस, टेक केयर।